मैं तो यही कहूंगा कि भाई देखिएगा, इस देश के अंदर जो अत्याचार का इस टाइम चल रहा है, इस अत्याचार से जनता को डरना नहीं चाहिए, दबना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। देश को जिस रास्ते पे ले जाया जा रहा है, अत्याचार के रास्ते पर, बेईमानी के रास्ते पर, और जो लोग उसके खिलाफ हैं उनको सबक सिखाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे आदमी है जिन्होंने पब्लिकली सबके सामने कहा कि मैं इनसे दबूंगा नहीं। अगर दब जाते तो कोई इशू ही नहीं था, अगर उनके साथी भी दब जाते तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई जेल नहीं जाता, और जेल चले भी गए थे तो दो दिन में छूट भी जाते, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि अन्याय के खिलाफ लड़े हैं अरविंद केजरीवाल और उसके साथी। अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, सब के सब तमाम लोगों को अरेस्ट किया गया। मतलब इस तरह की बातों पे कि कुछ भी आरोप लगाओ अंदर कर दो, कुछ भी आरोप लगाओ अंदर कर दो। अरे भाई कहते हैं काम करने दो, और अरेस्ट सत्येंद्र जैन को क्यों अरेस्ट किया पता ही होगा आपको, मोहल्ला क्लिनिक बना रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक ना चल जाए, मोहल्ला क्लिनिक ना बन जाए, उनको बंद ना करा दिया जाए। पता है दिल्ली के अंदर 18,000 हॉस्पिटल बेड बन रहे थे, 18,000 बेड किसी दुनिया के अंदर, देश की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के अंदर किसी भी शहर के अंदर इतनी बड़ी एक्सपेंशन सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं चल रही थी। उसको रोक दिया जाए, वो काम ना हो जाए। अगर वो हो जाता तो पता लगता है ये जो रोते रहते हैं ना, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, अरविंद केजरीवाल ने कहा पैसे की दिक्कत नहीं है, नीयत की दिक्कत है, नीयत इनकी नीयत खराब है, काम नहीं करना चाहते अरविंद केजरीवाल, वो काम करके दिखाना चाहते। अरविंद केजरीवाल ने कहा यमुना साफ करेंगे, अरे भाई मैं उनके कहने से वही काम कर रहा था ना कि यमुना साफ ना हो जाए, अगर यमुना साफ हो गई तो फिर काम कैसे होगा। तो इसके लिए सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया गया कि भाई काम ना हो जाए, काम हो, मैं चिंता मत करो, काम सारे होंगे, सारे काम करेंगे, डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, सारे काम करेंगे।